हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रवि पटेल प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चैनल के अंदर एक और बार आप सब लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम ये वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं गोल्ड के वीकली व्यू के बारे में, कि जो नेक्स्ट हमारा फिफ्थ वीक ऑफ मे है उसके रिगार्डिंग हम जो है उसके सपोर्ट डिस्कस करेंगे और फिर जो है उसके टारगेट डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम हमारा वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जिससे आपको थोड़ा आइडिया होगा कि पिछले वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि 47,900, ठीक है, 47,900 का जो गोल्ड का एक वेरी इंपॉर्टेंट टारगेट था हमारा, वो जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हमने बात की थी कि अगर ये जो लेवल है वो सस्टेन करेगा तो ऊपर की तरफ जो है वो बढ़िया रैली देखने को मिलेगी, बट अनफॉर्चुनेटली जो है वो लेवल जो है वो सस्टेन नहीं हो पाया, मतलब उसके आसपास जो है वो हम रहे थे। ठीक है, तो और क्लोजिंग जो है वो थोड़ा सा उससे नीचे आ गया था, मतलब ऊपर का जो लेवल है वो गोल्ड ने सस्टेन नहीं किया था। तो अब बात करते हैं कि नेक्स्ट वीक के अंदर गोल्ड के अंदर कहां पर उसका सपोर्ट होगा और कहां पर उसके टारगेट हो सकते हैं उसके बारे में। तो गोल्ड के लिए पहला जो सपोर्ट है अभी वो है 46,900 का लेवल। ठीक है दोस्तों, 46,900 इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर द गोल्ड। ओके, इफ गोल्ड कैन करेक्ट अप टू दिस प्राइस देन वी कंसिडर एज एन अ नॉर्मल करेक्शन। ठीक है दोस्तों, अगर गोल्ड जो है वो यहां तक करेक्ट करता है तो हम मानेंगे कि ये जो है वो एक नॉर्मल करेक्शन है, यहां तक जो है वो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर करेक्शन होता है तो। बट इफ गोल्ड कैन ब्रेक दिस लेवल, अगर गोल्ड ने ये जो लेवल है वो ब्रेक कर दिया और इसके नीचे अगर जो है वो जाने की कोशिश करता है तो फिर आपको इसके अंदर का जो करेक्शन है वो लगभग 46,250 के आसपास जो है वो जाता हुआ देखने को मिल सकता है, और ये जो है वो आपका फाइनल सपोर्ट हो सकता है नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है, 46,250 इट्स अ फाइनल सपोर्ट फॉर द गोल्ड फॉर द नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक के लिए ये जो है वो आपका फाइनल सपोर्ट होगा। अगर गोल्ड ने ये जो लेवल है वो गोल्ड अगर सस्टेन नहीं कर पाता है और नीचे की तरफ ये काटने की कोशिश करता है तो गोल्ड के अंदर का जो करेक्शन है जैसे अभी हमने डिस्कस किया वो बहुत ही ज़्यादा हो सकता है नीचे की तरफ, और ये आपको स्पीड से 45,600 से लेके लगभग 45,200 के जो लेवल है वो गोल्ड के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं इफ गोल्ड कैन ब्रेक 46,250 लेवल। ठीक है, तो ये आप जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखना गोल्ड के अंदर। तो ये हमने बात के लिए उसके सपोर्ट के बारे में। और दोस्तों आपको एक चीज बता रहा हूँ, आपने जो है वो पिछला वीडियो देखा होगा तो आपने ये सब कुछ तो ऑब्जर्व कर लिया होगा, बट अगर आप लोग जो है वो अगर कैश सेगमेंट में भी काम करते हो, ठीक है, कुछ स्टॉक में भी काम करते हो, तो हम जो है वो ऐसे एक स्टॉक के बारे में भी डिस्कशन करते हैं और पर्टिकुलर जो है वो एक एक स्टॉक के बारे में जो है वो हम डिस्कस करते हैं उसके सपोर्ट और उसके टारगेट के बारे में कि आने वाले दिनों के अंदर उसके सपोर्ट क्या रहेंगे, उसके टारगेट क्या रहेंगे, उसके बारे में भी हम जो है वो डिस्कशन करते हैं। तो आप लोग जो है जिनको इंटरेस्ट है और जो लोग स्टॉक में काम करते हैं उनके लिए ये मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि हमारी चैनल के ऊपर लेवल्स इन स्टॉक करके एक प्लेलिस्ट है। ठीक है, प्लेलिस्ट का नाम है लेवल्स इन स्टॉक। तो वो प्लेलिस्ट आप ओपन करोगे उसके अंदर जो है वो आपको डिफरेंट टाइप के स्टॉक के जो है वो आपको मिल जाएंगे। वैसे वो जो वीडियो थे वो पहले के थे, लेकिन अभी जो है वो मैं आपको नए नए जो वीडियो है अभी रिसेंटली मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया है तो मैं आपको एनकरेज कर रहा हूँ कि आप जो है वो वीडियो भी देखना तो आपको थोड़ा सा जो है वो स्टॉक में भी बेनिफिट हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम बात कर लेते हैं उसके टारगेट क्या हो सकते हैं उसके बारे में। तो पहला जो टारगेट है गोल्ड के लिए नेक्स्ट वीक के अंदर वो है लगभग 47,350 का लेवल। अगर ये जो लेवल है दोस्तों वो गोल्ड सस्टेन करने में कामयाब हो जाता है, ऊपर की तरफ हम बात कर रहे हैं, तो गोल्ड के अंदर जो है वो हमें थोड़ी सी ऊपर की जो मूवमेंट है
वो हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, लेवल का जो है वो ध्यान रखना 47,350। अगर ये जो लेवल है वो सस्टेन कर लेता है गोल्ड, तो आपको फिर लगभग 48,000 के आसपास गोल्ड जो है वो जाता हुआ देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट वीक के लिए ये जो लेवल है 48,000 वो हमारा फाइनल टारगेट है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप ध्यान रखना 48,000 इट्स अ फाइनल टारगेट फॉर द गोल्ड फॉर द नेक्स्ट वीक अकॉर्डिंग टू माय चार्ट ट्रेडिंग। ठीक है, मेरे चार्ट ट्रेडिंग के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट वीक के लिए ये जो लेवल है वो फाइनल हो सकता है। लेकिन अगर गोल्ड जो है वो ये लेवल को सस्टेन कर लेता है, ऊपर की तरफ जो है वो क्लोजिंग कर लेता है गोल्ड, तो फिर हमें स्पीड से एक बढ़िया मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और फिर ये जो मूवमेंट है वो लगभग 48,600 से लेके 49,000 की जो प्राइस है वो हमें गोल्ड के अंदर देखने को मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये जो लेवल है वो सस्टेन करता है ऊपर की तरफ, तो हमें ऊपर के जो लेवल हमें जैसे अभी हमने बात की 48,600 से लेके 49,000 के जो लेवल है वो हमें गोल्ड के अंदर आने वाले जो वीक है उसके अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिसके अंदर जो हम डिफरेंट टाइप के करेंसी साथ में कॉमोडिटी के जो वीकली व्यू है वो भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड के डॉलर टर्म प्राइस के अंदर क्या क्या जो सपोर्ट और टारगेट रहेंगे उसके बारे में। सो नाउ कंटिन्यू अवर डिस्कशन इन द डॉलर टर्म प्राइस। सो नंबर वन सपोर्ट इन द डॉलर टर्म प्राइस फॉर द गोल्ड फॉर द नेक्स्ट वीक इज 1,715। ओके, 1,715 इट्स अ very important support for the gold for the next week. Okay friends, if this support can break by the gold and sustain below this price, then after we can see the further correction in the price of the gold, and this correction may extend up to 1,690 level, and it's a final support for the gold according to my chart reading for the next week. Okay, and friends, there is a no recommendation of buying or selling from our side. I'm just keeping my point of view on the basis of chart. Okay, so if 1715 level, which is a very important support, after the breaking this support, we can see there is a high probability that we can see the level 1690. And if this support can break by the gold, then after we can see the level up to 1680 to 1655. Okay friends, so it's a support for the gold for the next week. So continue our discussion with the target price. So number one target for the gold for the next week, 1755. Friend, it's a very important support for the gold. If gold can sustain this level, then we can see the good rally in the price of the gold, and this rally may extend up to 1780, and it's a final target for the gold for the next week, and gold can sustain this level. Okay, if gold can sustain and close above this price, which is a final target 1780, after that we can see a very good movement in the gold, and this movement may extend up to 1790 to 1810 level. Okay friends, so it's a support and target for the gold for the next week. If you are visiting first time this channel, then subscribe our channel for the different type of the currency as well as the commodity weekly view. Okay, so like our video and share this video. Thanks for watching this video.